दर्शकों का स्वागत है। आइए जानते हैं देश की राजनीति का क्या है हाल। बीजेपी में शामिल हुई साध्वी प्रज्ञा, कहा चुनाव लड़ूंगी और जीतूंगी भी। मालेगांव ब्लास्ट मामले में जमानत पर बाहर चल रही साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर बुधवार को बीजेपी में शामिल हो गई। इस दौरान उन्होंने कहा, मैंने औपचारिक तौर पर बीजेपी ज्वाइन कर ली है, मैं चुनाव लड़ूंगी और जीतूंगी भी। गौरतलब है कि साध्वी प्रज्ञा को भोपाल से दिग्विजय सिंह के खिलाफ उम्मीदवार बनाए जाने की खबर है। तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष के घर करोड़ों रुपए, वहां रेड क्यों नहीं स्टालिन। डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने बहन कनिमोजी के तुतिकोरिन तमिलनाडु स्थित घर पर आयकर विभाग की छापेमारी को लेकर कहा है कि तमिल साई सुंदर राजन प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष के घर पर करोड़ों रुपए है, वहाँ छापेमारी क्यों नहीं हुई। उन्होंने कहा, मोदी आयकर विभाग सीबीआई न्यायपालिका और अब चुनाव आयोग का इस्तेमाल चुनाव में दखल देने के लिए कर रहे हैं। शरद पवार बहुत बड़े खिलाड़ी, हवाओं का रुख समझ जाते हैं। पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य महाराष्ट्र में बुधवार को कहा, एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार बहुत बड़े खिलाड़ी है, वो समय से पहले हवा का रुख समझ जाते हैं। उन्होंने आगे कहा, वे ऐसा कोई काम नहीं करते जिससे उन्हें या उनके परिवार को खरोच भी आ जाए, बाकी कोई भी बलि चढ़ जाए तो चढ़ जाए। तो देश की राजनीति में आज के लिए इतना ही। एमएनएस न्यूज़ आई की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।